मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इन दिनों ब्राह्मण खफा हो चुके हैं। ब्राह्मणों का मानना है कि भाजपा में से सभी पदों पर से ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है। ब्राह्मणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ब्राह्मणों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ब्राह्मण समाज के सदस्य कन्नू मिश्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। कन्नू मिश्रा का कहना है कि भाजपा इंदौर नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा को भी हटाने की तैयारी में है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बयान दिया था कि कोई भी माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, जिसके कारण भी ब्राह्मण काफी खफा है। आने वाले जुलाई माह में ब्राह्मण एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें एक भी ब्राह्मण भाजपा को वोट न देने की बात सोच रहा है। मंच से मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों को बोलते हुए नहीं, केंद्रित करते हुए बोला कोई माइका लाल लानी चीज नहीं हटा सकता। फिर देखा तो अभी प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई, जब भी उन्होंने ब्राह्मणों को दरकिनारा कर दिया, नाम चले थे उनको हटा दिया और दूसरे को बना दिया। फिर उसके बाद देखो तो मालवा के कुछ दिग्गज विधायक भी हैं जो अधिकतम मतों से मध्य प्रदेश में जीते हैं, वो भी मंत्री की लाइन में थे, मंत्री पद उनको नहीं दिया गया। उसके बाद देखो युवा मोर्चा में भी ब्राह्मण कैंडिडेट इंदौर में बहुत थे, वो भी अध्यक्ष पद नहीं दिया गया। अब जाना पाओ में भी कुछ बातें मुख्यमंत्री से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस विषय में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में जवाब देंगे। फिर अपन देखा जाओ तो अभी शहर अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी को हटाने की बारी आ गई है। तो ये सब क्या है, क्या ब्राह्मणों को दरकिनारा कर रहे हैं या अपनी मालवी भाषा में बोले तो ब्राह्मणों को निपटाया जा रहा है क्या? हाल ही में पंडित योगेंद्र महंत को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, जो कि खुद ब्राह्मण है। अब देखना यह होगा कि ब्राह्मण समाज आगे क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SR News, मध्य प्रदेश।